तो दोस्तों भारत आज संयुक्त व समृद्ध देशों की रेस में आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि भारत देश अपने आप में ही संपूर्ण रूप से परिपक्व है, लेकिन अपनी विदेश नीति के चलते हुए भारत ने यहाँ पर दूसरे देशों से जो संबंध बना कर रखे हुए हैं, उसकी वजह से भारत आज यहाँ पर टिका हुआ है। और कुछ देश तो ऐसे हैं जो अगर भारत का साथ नहीं देते तो हो सकता है भारत की दशा आज कुछ और होती। फिर चाहे वो इंडिया पाक वार क्यों ना हो, या फिर चाइना पाक वार क्यों ना हो, या फिर कहें संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेकर विवाद हो, हर समय यह कुछ देशों ने भारत का साथ दिया है। और आज की इस वीडियो में हम उन 5 देशों की बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत का साथ कर्ण के रूप में दिया है। तो चलिए बिना किसी बात की देरी करते हुए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। जापान। जापान भारत का एक ऐसा दोस्त है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भी विश्वास कर सकते हैं। पिछले समय से लेकर आज तक भारत और जापान के संबंध हमेशा से ही मजबूत रहे हैं। और हम यह भी देख सकते हैं कि जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जापान हमेशा से भारत की संस्कृति व सभ्यता का सम्मान करता है। और बात करें अगर युद्ध की, तो जापान हमेशा से भारत का साथ यहाँ पर युद्ध में देते आया हो, फिर वो चाहे युद्ध यहाँ पर चाइना से ही क्यों ना हो। और यह बात आज के समय की नहीं है, आजादी की लड़ाई में जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर से आजाद हिंद फौज बनाने की तैयारी कर रहे थे तो उनका साथ यहाँ पर जापान ने ही दिया था। और यही नहीं, जापान ने यहाँ पर नेताजी की मदद हर प्रकार से करी थी, वो अपनी संयुक्त राष्ट्र की सेना से भी पूर्ण रूप से हेल्प करवाई थी। इसीलिए जापान का साथ हमेशा से भारत ने भी दिया है और इसी वजह से यहाँ पर भारत और जापान का संबंध एक अटूट रिश्ते की तरह बना हुआ है। इसके बाद आता है यहाँ पर रूस। रूस एक ऐसा देश है जिसने समय आने पर भारत की हर संभव मदद करते हुए अपनी मित्रता का प्रमाण दिया है। और भारत पर जब भी यहाँ पर मुसीबत आई तो रूस ने उसका साथ हमेशा से दिया है। जैसे कि जब यहाँ पर कुछ देशों ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर को भारत से अलग करना चाहा, तब यहाँ पर रशिया ने साथ देते हुए अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर को भारत से अलग होने से बचाया था। और आज अगर रशिया नहीं होता तो शायद कश्मीर भी हमारे पास नहीं होता और कश्मीर आज हमारे पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान की झोली में झूल रहा होता। इसके अलावा यहाँ पर जब 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था तो रशिया ने ही अपने टैंक्स व सैनिक पहुंचाकर भारत की इस प्रकार मदद करी कि वह पाकिस्तान से बड़ी ही आसानी से यहाँ पर जीत हासिल करने में कामयाब हो सका। और जब 1965 में यहाँ पर भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब रशिया ने ही यहाँ पर मध्यस्थता करने के लिए ताशकंद समझौता कराया था, जिसकी वजह से यह युद्ध समाप्त हो पाया। और इसके साथ ही भारत ने यहाँ पर सोवियत रशिया की नीतियों का समर्थन किया था। 1979 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो रूस का साथ देते हुए यहाँ पर भारत ने उसका समर्थन किया था। और इस प्रकार अपनी मित्रता का प्रमाण देते हुए जब भी यहाँ पर रशिया और भारत मुसीबत में पड़े तो दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। इसराइल। इसराइल और भारत का संबंध यहाँ पर अगर कहे कि सबसे अच्छे हैं तो ये शायद कुछ गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इनके पहले संबंध ऐसे नहीं थे। भारत और इसराइल की आजादी यहाँ पर साथ में हुई थी, लेकिन शुरुआत में यहाँ पर भारत ने यूएन में इसराइल को एक अलग राष्ट्र बनाने के संबंध में वोट दिया था, जिस वजह से इसराइल और भारत के संबंध खराब हो गए थे। लेकिन जब 1950 में भारत ने यहाँ पर इसराइल को एक अलग राष्ट्र होने की मान्यता दी, तब से यह दोनों देश आपस में ऐसे मित्र देश बन गए जिनकी दोस्ती साल दर साल बढ़ती ही चली गई। और जब भारत और चीन के युद्ध के समय भारत के पक्ष में कुछ चीजें नहीं जा रही थी तो नेहरू ने यहाँ पर इसराइल को पत्र लिखकर सैन्य मदद मांगी थी और इसराइल ने भी यहाँ पर जो भी संभव सैन्य मदद हो सकती थी वो भारत की यहाँ पर करी थी। इस वजह से भारत के संबंध इसराइल से आज भी बहुत अच्छे बने हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे ही बने रहेंगे। भूटान। भूटान और भारत के बीच बेहद खास रिश्ता है। ये रिश्ता भूगोल, इतिहास व संस्कृति के रिश्तों पर यह रिश्ता बना है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि सदियों पुरानी यह दोस्ती आज भी वैसी की वैसी है। भारत की हर मुश्किल परिस्थितियों में भूटान हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, इसीलिए भारत ने भी यहाँ पर भूटान को कभी पराया नहीं समझा। और भारत और भूटान के संबंध आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सभा में यह कहा था कि अगर कोई देश भूटान पर हमला करता है तो वह हमला सीधा भारत के ऊपर माना जाएगा। इसी वजह से भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अपना 2014 में पहला विदेश दौरा भूटान से ही किया था। इसके अलावा 2019 में भी अपने कार्यकाल में दूसरा दौरा भूटान का कर चुके हैं। इसीलिए भारत ने भी यहाँ पर भूटान का साथ देते हुए डोकलाम विवाद में चीन के खिलाफ खड़े होते हुए भूटान का साथ दिया था और उस वजह से चीनी सेना को यहाँ पर अपने कदम पीछे लेना पड़े थे।
नेपाल। दोस्तों, नेपाल और भारत का रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर दो सगे भाइयों की तरह है। हजारों सालों से भारत और नेपाल के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते को बड़ी शिद्दत से निभाया जा रहा है। और यही नहीं, नेपाल माता सीता व भगवान बुद्ध का जन्म स्थल भी है, जिस कारण हम भारतवासियों के लिए यह किसी तीर्थ से कम नहीं है। भारत के लिए नेपाल भी काफी जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार भारत के गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के गोरखा लोग भारतीय सेना का हिस्सा होते हैं और फिर बाद में भारतीय सेना के लिए लड़ते हुए भारत की सीमा पर ये लोग जान भी दे देते हैं, उसे देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि नेपाल भारत से किसी भी तरह अलग है। कारगिल युद्ध में गोरखा रेजिमेंट की वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, यह थे वो भारत के 5 मित्र देश जो भारत की किसी भी परिस्थिति में साथ देने में पीछा नहीं हटेंगे। और साथ ही आपको जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।